नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिम्नास्टिक वाली। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 11, 12 प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनानी है। और बच्चों के बहुत सारे डाउट रहते हैं कि एक्सटर्नल हमसे क्या पूछेगा, हमें क्या क्या प्रिपेयर करना है। तो आज इनसे रिलेटेड हम बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर देंगे और यहाँ पर इसी से रिलेटेड सारा डिस्कशन चलेगा हमारा। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले 11th के प्रैक्टिकल फाइल के बारे में। इसमें एक्चुअली क्या क्या कंटेंट्स होने चाहिए, तो देखिए सबसे पहले है फिजिकल फिटनेस टेस्ट जो कि 6 मार्क्स का है। वन साइड मैंने पूरा दिया हुआ है 30 मार्क्स का, क्या क्या डिवीजन है, क्योंकि हमारी जो थ्योरी आती है वो 70 मार्क्स की आती है और जो प्रैक्टिकल पूरा होता है वो हमारा 30 मार्क्स का है। तो 30 मार्क्स में क्या क्या चीजें होनी चाहिए फाइल से रिलेटेड भी, और हमें उन्हीं से रिलेटेड प्रिपेयर करना है अपने आप को एक्सटर्नल के आगे प्रेजेंट करने के लिए। तो सबसे पहले हमने बात की फिजिकल फिटनेस टेस्ट की जो कि 6 मार्क्स का होगा। उसके बाद आएगा सेकंड हमारा प्रोफिशिएंसी इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स, स्किल्स ऑफ एनी वन गेम ऑफ चॉइस फ्रॉम द गिवन लिस्ट। गिवन लिस्ट जो है हमारी वो मैंने नीचे मेंशन कर रखी है, डोंट वरी अबाउट दिस। तो ये हमारा रहेगा 7 मार्क्स का, यानी जो इस लिस्ट में से हम जो स्पोर्ट्स या गेम कह लीजिए जो हम चूज करेंगे उससे रिलेटेड हमें क्या क्या चीजें प्रिपेयर करनी है। थर्ड जो हमारा फाइल में होगा वो है योगिक प्रैक्टिसेस यानी कि आसन वगैरह, और वो होंगे हमारे 7 मार्क्स के। मैंने अलग अलग कलर से इसको डिनोट किया है ताकि इजीली आप समझ सकें और आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। फोर्थ जो हमारा होगा रिकॉर्ड फाइल, कि हमें फाइल में क्या क्या मेन चीज, या हमें जो फाइल होगी एक्चुअली कंटेंट्स तो मैं बता रही हूँ वो एक्चुअली हमारी होगी 5 मार्क्स की। उसके बाद हमारा होगा 5th नंबर पे वाइवा वॉस, इसमें हमारा होगा हेल्थ गेम्स स्पोर्ट्स या योग, यानी कि इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो हमारे होंगे 5 मार्क्स के। तो अब स्पोर्ट्स ऑफ चॉइस की हमने बात की थी, उसके लिए लिस्ट ये है 11th के लिए। आप मेन मेन चीज याद रखिए 11th के लिए मेनली इंडिविजुअल स्पोर्ट्स होंगे जैसे एथलेटिक्स, आर्चरी, बैडमिंटन, बॉक्सिंग, चेस, जूडो, टेनिस, शूटिंग, स्केटिंग, स्विमिंग, टाइक्वांडो, एरोबिक्स, योग, जिम्नास्टिक्स, रोप स्किपिंग, बोचे, देन यूनिफाइड बास्केटबॉल। अब यूनिफाइड बास्केटबॉल जो होता है वो है स्पेशल नीड्स यानी दिव्यांग लोगों के लिए जो बास्केटबॉल होता है वो। नीचे मैंने यहाँ दो मैंने स्टार बनाए हैं, उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ है। रिकॉर्ड फाइल जो कि हमारी 5 मार्क्स की है उसमें हमें कौन कौन से प्रैक्टिकल बनाने हैं, तो 11th में 5 प्रैक्टिकल है। कौन कौन से प्रैक्टिकल है वो यहाँ मैं मेंशन कर रही हूँ। सबसे पहले लेबल डायग्राम ऑफ 400 मीटर ट्रैक एंड फील्ड विद कॉम्पिटिशन, मतलब जो हमारा ट्रैक है उसमें कहाँ लॉन्ग जंप का पीट होगा, कहाँ हाई जंप का होगा, क्या सेक्टर, ये थोड़ा थोड़ा हमें दिखाना पड़ेगा और हमें विद लेन एंड लाइन 400 मीटर ट्रैक बना के दिखाना है नीट एंड क्लीन। सेकेंड प्रैक्टिकल जो होगा, 5 प्रैक्टिकल की मैंने बात की, तो सेकेंड प्रैक्टिकल में हमें क्या लिखना है, कंप्यूटेशन ऑफ BMI फ्रॉम फैमिली और नेबरहुड एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा। जो BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स हमारे टीचर ने हमें सिखाया होगा हाइट वेट लेके कैसे कैसे उसका फॉर्मूला पुट करके हमें निकालना है। BMI निकालेंगे, चाहे आप फैमिली मेंबर्स का निकालिए, अगर 10 फैमिली मेंबर्स आपके पास नहीं है या आपकी फैमिली में इतने लोग नहीं है तो आप आस पड़ोस का भी डाटा ले सकते हैं और उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाना है कि किसका ज्यादा है, किसका कम है और कौन कहाँ स्टैंड करता है। इसके लिए आप अपने टीचर से हेल्प ले सकते हैं। नंबर 3 है लेबल डायग्राम ऑफ फील्ड एंड इक्विपमेंट ऑफ एनी वन गेम ऑफ योर चॉइस। जो मैंने चॉइस के गेम्स बताए थे उनमें से कोई भी एक चूज करिए। जैसे मान लो मैंने एथलेटिक ले लिया, तो मैं एथलेटिक से रिलेटेड कोई भी 2 इवेंट्स ले लूंगी, लॉन्ग जंप, हाई जंप या पोल वॉल्ट, जो भी मेरा चॉइस का है या जो मुझे पसंद है उनसे रिलेटेड पूरा पूरा फील्ड डायग्राम मुझे सेट करना है। फोर्थ जो प्रैक्टिकल होगा हमारा लिस्ट ऑफ करंट नेशनल अवार्डीज, जो प्रेजेंट जो अवार्डीज हैं उसमें चाहे द्रोणाचार्य अवार्डी हो, अर्जुन अवार्डी हो, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्डी हो, इनकी हमें ऐसे प्लेयर्स की लिस्ट बनानी है। जो 5th प्रैक्टिकल होगा हमारा पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन ऑफ एनी 5 आसनास फॉर इम्प्रूविंग कंसेंट्रेशन, यानी वो 5 आसन हमें मेंशन करने हैं, उनसे रिलेटेड हमें डायग्राम बनाने हैं। अगर आप नहीं बना सकते तो आप बने बनाए लेकर कट एंड पेस्ट भी कर सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है, डिपेंड्स अपॉन योर टीचर।
तो ये मैंने एक बेसिक आइडिया दिया है कि कंसंट्रेशन से रिलेटेड आसन कौन से होते हैं। कई बार टीचर कहता है कि जरूरी नहीं कंसंट्रेशन से रिलेटेड हो, आपके पोजीशन से रिलेटेड भी कह देते हैं। भी दो आसन आप लॉन्ग सिटिंग पोजीशन के मेंशन करिए, दो आसन आप स्टैंडिंग के मेंशन करिए, इस टाइप से भी वो इंक्लूड करने के लिए कह देते हैं। तो कंसंट्रेशन से रिलेटेड जो आसन है वो मैंने इंक्लूड कर रखे, पद्मासन, पश्चिमोत्थानासन, शलभासन, भुजंगासन, वृक्षासन एंड वज्रासन। और अगर आपको आसन के बारे में ज्यादा डिटेल में देखना है, इससे रिलेटेड भी मैंने वीडियो बना रखी है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम 12th स्टैंडर्ड के प्रैक्टिकल में क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए। तो ऑलमोस्ट जो 30 मार्क्स की डिविजन है ऑलमोस्ट सेम है, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है वो है गेम्स से रिलेटेड। जो स्पोर्ट्स ऑफ चॉइस जो गेम्स की है उनकी लिस्ट थोड़ी सी डिफरेंट है, और यहाँ 12th वाले स्टूडेंट्स को लेना है टीम स्पोर्ट्स से, जैसे बास्केटबॉल, फुटबॉल, कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, हॉकी, क्रिकेट, बोशे एंड यूनिफाइड बास्केटबॉल जो कि उसमें भी था। एंड रिकॉर्ड फाइल में इनके 3 प्रैक्टिकल मेंशन कर रखे हैं, तो यहाँ पर प्रैक्टिकल 3 बनाने हैं। उनको कौन कौन से हैं उसके बारे में मैंने आगे मेंशन कर रखा है। प्रैक्टिकल नंबर 1, फिटनेस टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन फॉर ऑल आइटम्स। फिटनेस टेस्ट आपका अफर, अमेरिकन अलायंस ऑफ हेल्थ फिजिकल एजुकेशन रिक्रिएशन, इसमें पहले डी भी मेंशन था, अफर्ड भी बोलते थे, नाउ इट इज अफर। तो उससे रिलेटेड आपको कौन कौन से उसमें आइटम्स हैं वो सारे आपको लिखने हैं। सेकंड जो प्रैक्टिकल है प्रोसीजर फॉर आसनास, इनके बेनिफिट्स एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशन। कॉन्ट्रा इंडिकेशन का मतलब है ऐसे कंडीशन बॉडी की जिसमें हमें आसन सच आसन को अवॉइड करना चाहिए, उसको टर्म को हम बोलते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन। फॉर एनी टू आसनास फॉर ईच लाइफ स्टाइल डिजीज, जैसे हमारे एक यूनिट में है योग एंड लाइफ स्टाइल वाली यूनिट में हमारे हैं कि डायबिटीज के वो मैनेज करने के लिए कौन से आसन होने चाहिए, ओबेसिटी के लिए कौन से होने चाहिए, तो उन लाइफ स्टाइल डिजीजेस से रिलेटेड हमें दो दो आसन यहाँ पर बनाने हैं, उनके बारे में पूरा प्रोसीजर लिखना है। थर्ड जो प्रैक्टिकल होगा 12th के लिए उसमें होगा एनी वन गेम ऑफ योर चॉइस आउट ऑफ द लिस्ट जो जिसकी हमने बात की थी, उनका क्या क्या करना है आपको, लेबल डायग्राम बनाना है और फील्ड डायग्राम बनाना है, इक्विपमेंट्स कौन कौन से यूज करने उस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स के लिए, रूल्स रिलेटेड, टर्म्स मेजर टर्म्स जो उस स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं एंड स्किल्स एटसेट्रा। यहाँ कुछ प्रैक्टिकल फाइल्स में ये चीजें भी लिखी हैं 12th के लिए स्पेशली, फिजिकल फिटनेस टेस्ट, स्किल टेस्ट, वाइवा एंड रिकॉर्ड फाइल, जिनका जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, तो आप ये भी देख लीजिए। और इसके जो गेम्स दिए हैं वो भी मिक्स दिए हैं, इंडिविजुअल एज वेल एज टीम स्पोर्ट्स। और रिकॉर्ड फाइल में 5 प्रैक्टिकल्स हैं, उनके बारे में भी यहाँ मैंने मेंशन कर रखा है। ऐसा भी था पहले, देखिए इसमें हमने नंबर 4th पे लिखा है प्रोसीजर फॉर एडमिनिस्ट्रिंग सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट फॉर 5 एल्डरली फैमिली मेंबर्स। रिकली एंड जोन्स जो सीनियर सिटीजन वाला जो टेस्ट हमारी बुक में है उससे रिलेटेड भी हमें ये टेस्ट मेंशन करने थे, बट कोरोना करके कहीं कहीं जगह पर ये सिलेबस से थोड़ा सा हटा दिया गया है बच्चों के बर्डन को कम करने के लिए। मेन तो यहाँ डिस्कशन कर दिया है कि आपको फाइल में क्या क्या कैरी करना है, बाकी डिपेंड करता है आपके टीचर पे कि वो आपको क्या क्या इंक्लूड करने के लिए कहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे इसमें जो गेम आया है एक बोचे, इंडियन इंग्लिश में अगर हम इसका प्रोनाउंसिएशन करें तो वो होता है बोची, और अमेरिकन या ब्रिटिश की बात करें तो वो बोलते हैं बोचे। ये क्या गेम है, बहुत सारे बच्चों ने इसका नाम नहीं सुन रखा तो मैं थोड़ा सा यहाँ एक्सप्लेन करना चाहूंगी। इट इज सिमिलर टू ब्रिटिश बॉल्स एंड फ्रेंच पटैंक्यू गेम। लाइक ये एक्चुअली जो गेम है ये डेवलप हुआ रोमन एम्पायर से, बट इट्स प्रेजेंट फॉर्म इज डेवलप फ्रॉम इटली, यानी कि मेनली अगर हम प्रेजेंट फॉर्म की बात करें तो इटालियन हम कह सकते हैं इसको। बोशिया इज प्लूरल इन इटालियन मीन्स बाउल इन सेंस ऑफ स्पोर्ट्स, अगर हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो बोशिया जो है बोशे का प्लूरल है। गेम क्या होता है, गेम इज प्लेड बिटवीन 2 प्लेयर्स और 2 टीम्स ऑफ 2, 3 एंड 4 प्लेयर्स। पर्पज ऑफ द गेम और टीम इज टू गेट मोर बॉल्स क्लोजर टू द टारगेट बॉल। टारगेट बॉल क्या क्या होती है, जैक, बोसिनो, पेलिनो, इनके जो गेम से रिलेटेड टर्म्स हैं, जो जितना फास्ट जितनी
जल्दी दोनों टीम में से या दोनों इंडिविजुअल में से जितना जल्दी टारगेट के क्लोज जाएगा वो ही विनर होगा। टीम क्लोजर टू द जैक, अभी जो टर्म्स हमने डिस्कस की थी, जैक कैन स्कोर पॉइंट्स इन एनी फ्रेम, यानी 7 to 13 पॉइंट, जो पहले क्लोज जाएगा वही विनर होगा। जैक स्मॉलर बॉल और लिटिल बोचे को भी बोलते हैं, और पहले नो बोलते हैं बुलेट और लिटिल बॉल। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो, इसमें मैंने 11th 12th प्रैक्टिकल से रिलेटेड कि आपके डाउट्स मैं क्लियर कर सकूं। अगर फिर भी कोई रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मेरा ईमेल एड्रेस भी मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है, dropifoki@gmail.com। थैंक्स फॉर वॉचिंग।